अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल थी नौ मुहर्रम और नौ मुहर्रम में सब घर पे नियाज बनती है, हमारे भी घर में नियाज बनती है। तो चलिए देखते हैं नियाज में क्या क्या बनता है। मेरी मम्मा ने घर के लिए बिरयानी बनाई थी। बिरयानी की यखनी तैयार हो गई है और ये चावल बॉयल हो रहे हैं। ऑलमोस्ट अब बिरयानी डन हो गई है और बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत डिलीशियस बनी थी और हम सब ने टेस्ट भी की थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और मैं बिरयानी की रेसिपी अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगी। अब हम चलते हैं शरबत की तरफ। मेरी मम्मा ने शरबत में बादाम पिस्ते भी डाले थे और कोकोनट डाला था जो क्रश किया था मेरी मम्मा ने खुद, और डिफरेंट वराइटीज़ की जेलीज भी डाली थी, ग्रीन और रेड कलर की, और फलूदे वाली सेवैयाँ थी वो भी डाली थी मेरी मम्मा ने। और अब हम डाल रहे हैं ऑल पर्पस का मिल्क, और अब हम डाल रहे हैं रेड कलर की जेली, और अब हम डाल रहे हैं ग्रीन कलर की जेली, और बना लें क्विक सिरप। क्विक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये जो है मिक्स हो जाए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर फलूदे वाली सेवैयाँ जो मेरी मम्मा ने बॉईल कर ली थी, और इसके बाद अब हम डालेंगे बादाम पिस्ता जो मेरी मम्मा ने बारीक बारीक करके काट लिया है। और अब बादाम पिस्ता डालने के बाद अब हम डालेंगे जो मेरी मम्मा ने क्रश किया था कोकोनट, अब हम वो डालेंगे इसके अंदर। अब हम डालेंगे चॉकलेट चिप, ऑलमोस्ट हमारे शरबत का सारा मटेरियल डल चुका है। सो अब आप लोग शरबत का फाइनल लुक देखें। शरबत तो बन के रेडी हो गया, तो चलते हैं अब चोंगा पूरी की तरफ। तो ये हमने चोंगा पूरी भी बनाई थी रात में, इसका मेवा भी मैंने भून लिया है। अब हम इसके अंदर चीनी मिक्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अब चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो गई है, तो आप मेवे का फाइनल लुक देखें। सो अब मेवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम जो है चोंगा पूरी बनाने की तरफ चलते हैं। सो मैंने अब छोटा सा पेड़ा ले लिया है और जो है उसको अच्छे से बेल रही है। छोटी सी रोटी बनाने ली है हमने, और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर हमने डालना है एक चम्मच मेवा। सो मेवा डालने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। सो इसको फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से दबाएंगे ताकि ये जो है घी में जाके फटे नहीं। फिर उसके बाद अब हम इसके अंदर भरेंगे छोटी छोटी सी चुटकियाँ, और आप इसको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिज़ाइन में बनाएं। तो आप लोग सब अब मेरे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन वाली चोंगा पूरी देखें। और हमने एक सन वाली भी बनाई थी जो ये फ्राई हो रही है, देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है, एकदम गोल्डन गोल्डन सी, इतनी प्यारी लग रही है। और मेरी सिस्टर ने भी एक न्यू डिफरेंट डिज़ाइन की जो है चोंगा पूरी बनाना सिखाई मुझे, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। आप लोग देखें कैसे बनाई मेरी सिस्टर ने। सोयाबीन पूरी बनके तैयार हो गई है, और इसका फाइनल लुक देखें आप लोग कितना ज़बरदस्त आया है। ऑलमोस्ट अब सारी चोंगा पूरियाँ बनके तैयार हो गई थी, आप लोग सब देखें कितनी गोल्डन गोल्डन जो है फ्राई हुई हैं। तो आप सबको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएगा आप सबको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।